लाइव हर जुर्म का पर्दाफाश। आज पूरे भारत में 15 से 18 साल के बच्चों को लगा टीका लगाया जाना शुरू हो गया है। वहीं ओमिक्रॉन को लेकर सरकार काफी गंभीर भी है। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद सहित तमाम जिलों में वैक्सीनेशन की आज से हुई शुरुआत हो गई है, जिसमें 15 से लेकर 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाया जा रहा है। इस दौरान टीकाकरण को लेकर बच्चे काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और कोरोना से दो हाथ करने के लिए अपने आप को तैयार भी करते नजर आ रहे हैं। व्यो बताते चले कि मऊ सहित पूरे देश और प्रदेश में आज से 15 से लेकर 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए सरकार की पहल शुरू की है, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और उनके अभिभावक अपने बच्चे को कोरोना से बचाने के लिए टीकाकरण में काफी उत्साहित नजर आए। बताते चले कि मऊ जिले के महिला जिला अस्पताल में कुल 700 के आसपास बच्चों को वैक्सीनेट किया गया। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग काफी सजग है। यही वजह है कि पहले 60 वर्ष की आयु, फिर 45 वर्ष और अब 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है, ताकि आने वाले वायरस और मौजूदा समय में ओमिक्रॉन से इन बच्चों को बचाया जा सके। साथ ही इसके बाद इससे कम उम्र के बच्चों के लिए भी जल्द ही टीका लगवाने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। बच्चे भी वैक्सीन को लेकर बता रहे हैं कि पहले थोड़ा डर जरूर लग रहा था, लेकिन लगने के बाद वह सामान्य महसूस कर रहे हैं और सरकार का धन्यवाद दे रहे हैं। क्यों लगवाया आपने? तो क्या देखा जाती थी, लहर दिख रही है? हाँ जी दिख रही है। हाँ। उसी को आज मैंने टीकाकरण करवाया है। सरकार के निर्देश अनुसार आज के दिन से 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को टीकाकरण करवा सकते थे। हमने ऑनलाइन बुकिंग की और अभी आके मेरा टीकाकरण हुआ है। जिस तरह आपको पता है कि कोविड की अब तीसरी लहर आ रही है, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है कि अब हमने टीकाकरण करवा दिया है। प्रिकॉशन के लिए अच्छा हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है टीकाकरण करवाने के बाद, क्योंकि एक सुरक्षा सी महसूस हो रही है। सरकार की नीतियों के तहत ये हमने टीकाकरण आरंभ कर दिया है। 1 तारीख से हमने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आरंभ किया था, जिसमें 2000 रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुए थे, जिसके क्रम में आज अभी तक के में 700 बच्चों का टीकाकरण किया जा चुका है और अभी संभावित है कि शाम तक और टीकाकरण किया जाएगा। हम पूरी तरह से 15 से 18 साल के बच्चों को सुरक्षित करने हेतु टीकाकरण को